बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन पावर कैसे बढ़ती है। कहते हैं जब पढ़ाई करते हैं तो अगर पीछे आप कोई म्यूजिक ऑन कर लो तो पढ़ाई में ध्यान लग जाता है। ऐसे ही करते हो लोग? करते यही हैं लेकिन अनजाने में करते हैं। मैं आपको उसके पीछे लॉजिक बता रहा हूं कि रीजन क्या है और कैसे काम होता है। इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक अगर आप प्ले करोगे और उस इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में भी बीट्स बहुत ज्यादा नहीं है, धांधू नहीं है, बेस ज्यादा नहीं है, तो आपका ध्यान पढ़ाई पे लग जाएगा। सॉफ्ट म्यूजिक, इसके पीछे लॉजिक क्या है कि वो ध्यान आपका जो 50 जगह पे चल रहा था वो वहां से हट करके एक जगह पे आ गया। जब म्यूजिक सुनते हो तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद में और थॉट्स आने बंद हो जाते हैं, सिर्फ म्यूजिक की तरफ ध्यान होता है और ध्यान होता है पढ़ाई की तरफ। तो ध्यान पहले जो 50 जगह पे था और पढ़ाई पे था, अब वो कहां पर है? एक जगह पर है यानी कि म्यूजिक पर है और पढ़ाई पर है, दो जगह पर आ गया। तो अगर ध्यान दो जगह पर होगा उस ध्यान की पावर ज्यादा होगी, या ध्यान 100 जगह पर होगा उसकी ज्यादा होगी? दो जगह पर होगा। अब इस साउंड में देखो क्या होता है, इसमें तो ना कोई बीट्स है, ना कोई लिरिक्स है, कुछ भी नहीं है। जब आप बैठोगे पढ़ने के लिए तो क्या होगा, आपका ध्यान पहले तो हर जगह से हट करके इसकी तरफ आ जाएगा। होता है ऐसा? कभी भी नोट करना, आराम से रिलैक्स होकर के बैठो पढ़ने से पहले, इस साउंड की तरफ अपने ध्यान को ले जाओ। तो आपका क्या होगा, माइंड थॉट से हट गया, फीलिंग से हट गया, हर जगह से हट गया, साउंड पे आ गया, अब पढ़ने लग जाओ। तो ये साउंड आपका ध्यान पढ़ाई में लगा देगी। वन पॉइंटेडनेस, ध्यान, व्हाट डज ध्यान मीन? कॉन्सेंट्रेशन, अटेंशन जब वन पॉइंटेड हो जाए। हमारा ध्यान अभी कैसा है? भटकी हुई है ना, बिना इस साउंड के हमारा ध्यान कैसा है समझने की कोशिश करो। क्या होता है, कभी बाहर से कोई साउंड आ गई, कभी कुछ दिख गया, कभी कुछ याद आ गया, कभी ये याद आ गया कि अब ये करना है, ये हुआ था, हजार जगह पर है, समझ रहे हो? तो ध्यान कैसे भटक रहा है? अगर आपके हाथ में एक मैग्नीफाइंग ग्लास है और आप वहां से आग लगाना चाहते हो सूरज से, तो अभी आपका ध्यान कैसा है? ऐसे 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 भटक रहा है। फोकस कैसे करोगे? कभी यहां चला गया, कभी वहां चला गया। जहां आपका मैग्नीफाइंग ग्लास जाता है यानी कि आपका ध्यान जाता है, वही चीज आपको दिखने लग जाती है। तो एक जगह पर टिक नहीं रहा ना, इससे क्या हुआ, एक जगह पर आ गया। इस इनर साउंड से क्या होता है, ध्यान एक जगह पर टिक जाता है। एंड इट इज अ वेरी वेरी हाई स्टेट, रीजन बीइंग अगर आपको इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुन रहे हो तो वहां फिर भी कोई फीलिंग है, कोई इमोशन है, आप समझ रहे हो, कुछ ना कुछ है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। ये बिल्कुल ही खाली है, जिसको बुद्धिज्म में एम्प्टीनेस बोलते हैं, शून्यता, जीरो। बिना जीरो के मैथमेटिक्स क्या है? जीरो ही है। तो जब तक हमारी लाइफ में ये नहीं है तब तक सब भटका हुआ है, ये आते ही सब कुछ सिमट गया, एक जगह पर आ गया। कॉन्सेंट्रेशन पावर साइंटिफिकली कैसे बढ़ेगी इससे? क्योंकि ये कैसी साउंड है जिससे रिलेटेड आप चाहो भी तो आप कुछ सोच नहीं सकते। एक इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग है, यहां आकर के माइंड मर जाता है। फिर जैसे ही माइंड को एक गोल मिलता है तो माइंड अपनी पूरी एनर्जी उस गोल की तरफ लगा देता है। तो 2 घंटे में जो आप पढ़ाई करोगे दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 20 घंटे की पढ़ाई उस आदमी के कंपैरिजन में जिसका ध्यान भटका हुआ है। 2 घंटे में जिसका ध्यान 1000 बार भटक रहा है, मान लो शुरू शुरू में आपका भी ध्यान 2 घंटे में 10 बार भटकता है, लेकिन उसका 1000 बार भटक रहा है, या आप ही का पहले 1000 बार भटकता था, अब सिर्फ 10 बार भटका। जैसे ही भटका, पढ़ाई से ध्यान को हटाया, ध्यान को ले गए साउंड की तरफ, पढ़ाई को छोड़ दिया 5 मिनट के लिए, फिर से एनर्जाइज हो गए। ये आपको एनर्जाइज कर देती है, कभी नोट किया है? एनर्जी से भर देगी, बिकॉज दिस इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। तो यहां से आप एनर्जी से भर गए, भरते गए भरते गए भरते गए, फिर आधा घंटा पढ़ाई गई, ब्रेक लिया, थोड़ी देर इसको सुना, फिर पढ़ाई गई, बढ़ गई कॉन्सेंट्रेशन पावर।